सर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मेरी एसोसिएशन असम से तकरीबन 41 बरसों से, मैं जब से मैं यूथ कांग्रेस में था और आज से 31 साल पहले या 32 साल पहले जब मैं 1986 में कार्ड के तुरंत बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था, दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे और वर्क एलोकेशन में मेरे मिजोरम अकार्ड, असम अकार्ड और पंजाब अकार्ड, और यहीं दिल्ली में दर्जनों मीटिंगें मेरी मिस्टर फुकन उस वक्त के चीफ प्रफुल्ल महंता और दूसरे नंबर टू फुकन से हुई थी, और तब से लेकर 86 से लेकर आज तक इसके बारे में जब कभी भी चर्चा होती है तो मैं इसके साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। प्लीज मैं दो तीन चीज़ें माननीय गृहमंत्री जी ने बताई, मैं स्वागत करता हूँ माननीय गृहमंत्री जी का। तो इन्होंने कहा कि ये इससे पहले मैं स्पष्ट करूँगा कि भारत की सुरक्षा, स्वतंत्रता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये बहुत अनिवार्य है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, विपक्ष हो या सत्ताधारी पार्टी हो। और ये भी अनिवार्य कि सूची होनी चाहिए देश के पास कि उसके सिटीजन्स कौन है। इतना बड़ा विशाल देश है, चारों तरफ हमारे बॉर्डर हैं, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक और दक्षिण तक, हम खुले बॉर्डर नहीं छोड़ सकते पूरी दुनिया के लिए। सुरक्षा का मुद्दा भी है और संख्या का भी मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ ही मैं कल टेलीविजन देख रहा था तो दो एक आर्मी 30 साल सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ है और दूसरा एयरफोर्स 30 साल के बाद रिटायर हुआ, और ये दोनों लिस्ट में नहीं। एक ने कहा कि मैंने 1951 वाला अपने बाप का सर्टिफिकेट दिया और दूसरे ने कहा कि मैंने 1947 में अपनी मां का सर्टिफिकेट दिया। अब जिसको 1947 एक आर्मी और एयरफोर्स वाला, 100 मां एक अपनी मां का और एक अपने बाप का, एक 1947 और 1951 के बाद भी एक ही मिनट बचा है प्लीज, बेटा बाहर रहा, ये टेलीविजन पर डिस्कशन चल रहा था। तो इस तरह से माननीय गृहमंत्री का ये कहना यहां बड़ी डाइकोटमी है, ये बड़ा तर्दीद है आपस में। आपने कहा कि बिल्कुल फेयर एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस चल रहा है, अगर ये फेयर एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है तो ये आर्मी 30 साल, एयरफोर्स 30 साल करने के बाद भी बाहर कैसे है। तो मेरे ख्याल में माननीय गृहमंत्री जी को कहना चाहिए कि प्रोसेस पे गड़बड़ हो सकता है, अगर आप पहले ही कहेंगे प्रोसेस ठीक है तो फिर आगे करना क्या है? राइट है, प्लीज ये मुझे आपसे जरूरी अनिवार्य कहना है। और एक क्वेश्चन इन्होंने उठाया कि सरकार को भी एक भाषा में, सरकार और तो पार्टी सलाह है, थैंक यू, एक भाषा में कहनी चाहिए। कोई कहता हमने किया, कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किया।